अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरे साथ है मेरा एक शरारती दोस्त, ये इसको आप देख सकते हैं, ये शरारती जिसको मैंने बंद किया था, यहाँ पर पैक किया हुआ है और इसको मैं लेकर जा रहा हूँ किसी खास काम से। चलें, मैं दिखाता हूँ आपको, चलो बाहर। ऊपर से जाने की जल्दी में ये आओ, चलो चलो आ जाओ, चलो आओ, चलो। फ्रेंड्स, ये पहले ही समझ गया है कि मैं किस काम से जा रहा हूँ वहाँ पर। अच्छा, वो वाइट वाला मेल है मेरे पास जो वो घूम रहा है, और साथ में ये आप देख सकते हैं, ये फीमेल है, और ये फीमेल है मोहिब भाई की। अस्सलाम वालेकुम मोहिब भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम भाई। जी ज़बरदस्त। अच्छा फ्रेंड्स, ये फीमेल मोहिब भाई की है और ये सीज़न पर आई हुई है, तो मेल ये वाइट वाला है जिससे हम आज इसकी मीटिंग करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा रिजल्ट ले पाएँ। तो मोहिब भाई, अपना तारुफ़ करवाएँ आपके, आप कब से डॉग की ब्रीडिंग करवा रहे हैं? फर्स्ट ब्रीड मेरे ख्याल से आपके पास हुई थी। हाँ, लाइक डॉग कीपिंग की बात करें तो 5 साल हो गए हैं मुझे डॉग रखते हुए। अच्छा, और मेरे पास जो पहला मेल था, पहला जो डॉग था, सही है, वो मैंने इन्हीं से लिया था और इन्हीं से मेरा शौक बढ़ा है। अच्छा। और मजीद जितने भी डॉग्स लिए हैं वो मैंने इन्हीं से लिए, और मेरा जो शौक बढ़ाने वाले हैं ना वो ये। बहुत शुक्रिया जी, ये रिस्पेक्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मजीद बातें बाद में करते हैं, पहले ट्राई कर लें जो काम, पहले लेकर आए, इसको लेकर आए, आओ चलो शैतान, यहाँ पर ठीक रहेगा, ये गली है, ठीक है। फ्रेंड्स, काफ़ी मेहनत मुशक्कत के बाद, हमेशा ही मेहनत मुशक्कत होती है मेटिंग में। अच्छा मोहिब भाई, एक और चीज़ है, डॉग ब्रीडिंग बहुत आसान लगती है और मेटिंग बहुत आसान लगती है। लोग बोलते हैं भाई ये डॉग का अपना काम है, डॉग खुद करेगा, आप क्यों करते हैं मेहनत? आप क्या बोलेंगे इस बारे में? देखिए, डॉग ब्रीडिंग और सबसे मेन होती है मीटिंग जी। मीटिंग करवाने बंदे के पसीने छूट जाते हैं, सही है। लगता आसान है लोगों को और लगता बहुत इजी है कि डॉग ब्रीडिंग कराना बहुत आसान है, जब लोग करते हैं लग पता चल जाता है। अच्छा, आपने फर्स्ट ब्रीड करवाई, उससे पहले आपके क्या तासुरात थे, मतलब क्या सोचते थे, किस तरह है ब्रीडिंग करवाना क्या है, कितने इसमें पैसे मिलेंगे, कितने पैसे कमाए जाएंगे, और अब जब आपने ब्रीड करवाई आपको क्या अंदाज़ा हुआ? लाइक मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने डॉग किया था ना मेल जी, पहले मेरा कोई सीन नहीं था ब्रीडिंग का ना जी। आपने शौकिया लिया था वैसे? मैंने शौकिया लिया था, और फिर मैं असद भाई की वीडियोस देखता रहा, इंस्पायर होता रहा। ठीक। फिर मैंने सोचा यार मैं एक फीमेल ले लेता, फिर मैंने एक फीमेल ली। और फिर बहुत मुशक्कल करी और बहुत टाइम मीटिंग करवाई, नहीं हुई फीमेल मेट। अच्छा, सही है। अच्छा। मेट भी उसके बाद कंसीव नहीं कर पाई, मतलब मेरे लाइक पूरे जर्नी के ना 2 साल लग गए, 2.5 साल लग गए, उसके बाद मेरे पास फर्स्ट मीटिंग आई। वो भी वो होता है कि आप ना वक्त के साथ साथ सीखते हैं चीज़ ना। थक गया है फ्रेंड्स का, थक गया, इसको मैं रिलीज करता हूँ, इजी हो जाए। चलो नो नो और सेट नहीं यार, ये रिलीज होकर भाग जाएगा जी, बताएं जी। अच्छा, जी लो, सारी चीज़ होती है कि इंसान ना वक्त के साथ साथ सीखता है। सही। तो माशाल्लाह से मेहनत, 2-2.5 साल की मेहनत के बाद मेरे पास ब्रीड आई, और ब्रीड भी माशाल्लाह से आउट क्लास आई। असद भाई देख चुके हैं वो ब्रीड के बच्चे। सही। और लाइक अगर आप अर्निंग के लिहाज से देखें ना, तो ये एक साइड बिजनेस अच्छा है, सही है। सही है। आप एक साइड बिजनेस के लिए कर सकते हैं। और लाइक हमारा, हमारी जो डॉग ब्रीडिंग की फैमिली है ना, वो वैसे ही बहुत कम है। सही। तो माशाल्लाह से ऐसे लोग जो है ना, ये डॉग ब्रीडिंग फैमिली को आगे बढ़ा रहे हैं। लाइक मैं कहीं पे भी डॉग की अंदर फंसा हूँ, कोई मसला हुआ है, तो मैंने सबसे पहले मैसेज असद भाई को करा है, और असद भाई ने लाइक मिनटों के अंदर, विद इन अ सेकंड के अंदर मेरा मसला सॉल्व करा है। मेरा फर्ज है गाइड करना, मुझसे जो पूछता है मैं कोशिश करता हूँ उसको गाइड करता हूँ। इस फील्ड में ऐसे भी लोग हैं जो कि लोगों को गाइड नहीं करते, सही है, लोगों को नहीं बताते, मगर मैं बता रहा हूँ कि मेरा जो तजुर्बा रहा है ना असद भाई के साथ बेहतरीन, और ये रिस्पेक्ट के मतलब सही कहना हकदार है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। फैमिली लाइक फैन है असद भाई। अच्छा फ्रेंड्स, ये इनकी मोहब्बत है, मेरे भाइयों की तरह है, तो ये इनकी मैं बहुत ज़्यादा शुक्र गुज़ार हूँ तुम्हारा कि तुमने इतनी रिस्पेक्ट दी मुझे और इतनी रिस्पेक्ट देते हो। तो अब इनकी मेटिंग सक्सेसफुल हो चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह का रिजल्ट आएगा दोनों वूली कोट में, ब्राउन और वाइट? देखें, रिजल्ट तो बहुत टाइट आने वाला है, सही मेरे लिहाज से, और इंशाल्लाह अभी देखते हैं कि अभी कोई बात नहीं कह सकते, मैं अपनी तरफ से नहीं कह सकते, जो होगा देखें नसीब के अंदर। लेकिन एक और चीज़ है फ्रेंड्स, हमेशा जब भी फीमेल मेट कराई जाती है, एक चीज़ माइंड में रख के कराई जाती है कि 50-50 चांसेस होते हैं, 50% ब्रीड कर जाए,
50% कंसीव ना करे, और अभी काफ़ी गर्मियों का मौसम है तो शायद कंसीव ना भी करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जी फीमेल ब्रीडर नहीं है, ब्रीड नहीं करेगी। एक बार ना करे दोबारा मेट करवाएं, तिबारा करवाएं तो ब्रीड बिल्कुल फीमेल करती है। तो मेल फीमेल कंफर्म भी हो तो भी ब्रीड नहीं होती कभी कभार। तो जिस तरह आपने कहा कि मैंने काफ़ी मरतबा मेट कराई, ब्रीड नहीं हुई, फिर ब्रीड हो गई, लोगों ने बहुत दफ़ा करा कि फीमेल आपकी कभी ब्रीड नहीं करेगी, मैंने हिम्मत नहीं आ रही। हाँ, नहीं नहीं कहने की बातें हैं, देखें मेरे जो एक्सपीरियंस में रहा है ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि जी फीमेल मेट कराई ब्रीड नहीं की, वो देखें वक्ती तौर पर कभी ऐसा होता है फीमेल कंसीव नहीं करती। बहुत सारी जो मेडिकल इश्यूज होते हैं, बहुत सारे मामला होते हैं जो हम नहीं समझ पाते, जब हम इसकी गहराई में जाएंगे, जब हम इसको समझेंगे तो मजीद आगे समझ में आएगा क्या है। हर चीज़ के लिए नॉलेज होना चाहिए जी, बिल्कुल। ये जो चीज़ है ना, ये ऐसी चीज़ें आप इसके बारे में जितना पढ़ेंगे उतना ज्यादा। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स अगर ये रिजल्ट आया तो बहुत जो है ना कि दबंग रिजल्ट आने वाला है, तो अगर ब्रीड हुई तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा, आपको ज़रूर इनका रिजल्ट दिखाऊंगा। तो मोहित भाई बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात करके, और आपने इतनी रिस्पेक्ट दी मुझे, बहुत खुशी हुई इस चीज़ की कि आप इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, और इंशाल्लाह आगे भी हम रबते में रहेंगे। और जितने भी व्यूवर्स हैं, मेरी कोशिश होती है मैं उनको गाइड करूँ और उनको मेरी तरफ से कम अज़ कम कुछ जो भी हो सके उसको फ़ायदा पहुँचे उनको। तो इसी तरह मैं आपके साथ भी टच रहा, और फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आती रहे। इसी के साथ साथ मुझे और मुहिब भाई को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।